गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द फ्रिक्शन, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन अपोज करता है। यहां तक हम पढ़ चुके थे, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने इसके चार टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट कौन कौन सा पढ़ा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड हम लोगों ने कौन सा नाम लिया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड था काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और चौथा कौन सा था? चौथा कौन सा था? रोलिंग फ्रिक्शन। चौथा कौन सा था? रोलिंग फ्रिक्शन। और अब मैंने बताया था कि इन तीन के बारे में तो हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, और रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग किस में स्टडी करते हैं? रोटेशनल मोशन में। रोलिंग फ्रिक्शन को हम किस में डिस्कस करते हैं? रोलिंग मोशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हेडिंग डालो सभी लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने बताया था फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन कैसा होता है? नेसेसरी इविल। कैसा है? नेसेसरी इविल होता है, मतलब इसे हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इसके कुछ लॉस भी है। हमें इसकी जरूरत है और लेकिन इसके कुछ क्या है? लॉस भी है। इसके वजह से कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होगा, कोई भी चीज में 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाएगा। ये सब क्या है? इसके लॉस है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर। स्टैटिक से मतलब क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट। और फ्रिक्शन क्या चाहता है? हमेशा दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में रहे? रेस्ट में रहे। मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। देयर इज नो रिलेटिव मोशन। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू सरफेस। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू सरफेस। तो जब तक ये रहेगा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन कहीं भी हमें गिवन होगा, तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में रहेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे। स्टेट ऑफ रेस्ट से मतलब क्या होगा? कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों सरफेस, दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसीलिए हम इस फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं? यह हमेशा हैप्पी रहता है। हम इस फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं? हैप्पी फ्रिक्शन बोल सकते हैं। कि जब तक यह फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, दो ऑब्जेक्ट या सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा किससे गिवन होता है? म्यू इंटू एन से। फ्रिक्शन का वैल्यू किससे गिवन होता है? म्यू इंटू एन से। अब यदि हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, यदि हम किसका बात करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एफएस से। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रहता है म्यू एस इंटू एन, हेयर एन तो क्या है, नॉर्मल फोर्स, एन तो क्या है नॉर्मल फोर्स, और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो एफ एस का वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, वो क्या रह सकता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जहां पर म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, बात समझ में आया। अब इस लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, तो चलो इसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो, लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि fs का जो वैल्यू है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन, fs का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन, और fs का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जीरो, ठीक है। तो किसी भी दो सरफेस के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, जीरो, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एस इंटू एन, तो यहां से हमें बताया गया कि जो एफ एस है, इसका वैल्यू रहेगा लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये होता है सही कंडीशन इसके लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जीरो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो नोट कर लेना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, चलो इसके बारे में एक चीज बताता हूँ, ये किसकी तरह वर्क करता है। तुम लोगों ने रामायण देखी है, रामायण में एक करेक्टर है बाली, बहुत पावरफुल था, और बाली के पास सबसे इम्पोर्टेंट पावर क्या थी, कि बाली जिस किसी से भी युद्ध करता था उसकी 50% पावर वो अपने अंदर क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता। बाली उसकी क्या करता था, 50% पावर एब्जॉर्ब कर लेता था, जिसकी वजह से बाली हर युद्ध जीत जाता था, लेकिन बाली का भी क्या था, वहां पर एक लिमिट था, कि बाली एक, बाली का एक बार हुआ था, हनुमान जी से युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी का वो ताकत एब्जॉर्ब कर रहा था, वो कभी भी हनुमान जी का पूरा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, क्योंकि यदि हनुमान जी का पूरा पावर एब्जॉर्ब कर लेता तो वो वहां पर क्या हो जाता, ब्लास्ट हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसकी तरह वर्क करता है, बाली की तरह वर्क करता है। एक लिमिट तक तो ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है, उसके बाद ये काम नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। जैसे किसका था, बाली का था, बाली सबसे जीत सकता था लेकिन हनुमान जी से नहीं जीत पाए थे, ठीक है।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा हुआ, सेल्फ एडजस्टिंग हो गया, ये खुद को लगातार क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है, म्यू एस इनटू एन रहता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो। मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो, ठीक है। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक। देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मास गिवन है हमें 5 kg, उस पर यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया गया एफ, सरफेस पर फ्रिक्शन म्यू गिवन है म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, म्यू एस इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.2, ठीक है। अब हम चार्ट बनाते हैं बिटवीन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये अप्लाइड फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम फोर्स को, इस फोर्स को क्या करेंगे, वेरिएबल करते जाएंगे, लगातार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, क्या म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.2, और नॉर्मल देखो क्या डाउनवर्ड में एम जी, डाउनवर्ड में एम जी, ऊपर क्या आएगा नॉर्मल, तो एम किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल, तो कितना हो गया 50, तो क्या 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है एफ एस का, 10 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में इस पर ब्लॉक पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, मैंने फोर्स कितने का अप्लाइड किया, 2 न्यूटन का। अब जैसे ही मैंने इस पर यहां पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो क्या यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 10, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 10 हो सकता है। लेकिन ये क्या फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब ये अपने वैल्यू को जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है, ये अपनी वैल्यू को जरूरत के हिसाब से क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब बताओ ये ग्राउंड किस पर है, क्या ये ग्राउंड रेस्ट पर है, ये ग्राउंड किस पर है, रेस्ट पर। तो यदि ये रेस्ट पर है तो ये फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है कि ऑब्जेक्ट भी किस पर रहे, रेस्ट पर। फ्रिक्शन क्या चाहता है, ऑब्जेक्ट भी किस पर रहे, रेस्ट पर रहे। और यदि ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रहना है तो क्या फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन होना चाहिए या 2 न्यूटन, फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन होना चाहिए या 2 न्यूटन होना चाहिए। क्या रेस्ट पर रहने के लिए 2 न्यूटन सफिशिएंट है, रेस्ट पर रहने के लिए कितना सफिशिएंट है, 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारा कितना आएगा 2 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 0, ठीक है। ऐसे ही मैंने और बढ़ाया, और इस बार मैंने किया 7 न्यूटन, इस बार मैंने कितना कर दिया 7 न्यूटन। तो जैसे यहां पर 7 न्यूटन अप्लाई किया तो क्या इधर फ्रिक्शन आएगा, वापस क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 10, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 10 न्यूटन। लेकिन क्या ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करे, ये अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो, और जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या फ्रिक्शन का वैल्यू 7 न्यूटन होना चाहिए या 10 न्यूटन। क्योंकि यदि फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन रहा, फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन रहा, तो क्या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन तो कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं चाहता है, तो इसलिए फ्रिक्शन अपना वैल्यू कितना करेगा 7 न्यूटन, फ्रिक्शन अपना वैल्यू कितना कर लेगा 7 न्यूटन। अगेन एक्सेलरेशन कितना 0। अब दोबारा देखो, अब हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, फोर्स कितने का अप्लाई किया 10 न्यूटन का, हमारे पास फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, क्या 10 न्यूटन। तो क्या 10 न्यूटन के साथ कंप्लीट लग जाएगा, 10 न्यूटन के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन कंप्लीट लग जाएगा। और फ्रिक्शन जैसे ही कंप्लीट लगा, क्या दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल आउट, तब भी एक्सेलरेशन क्या आया 0।
तब भी एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो। अब मैंने क्या किया, जो F का वैल्यू था, जो हमारा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू था, ये जो हमारा F का वैल्यू था कैपिटल F, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ज्यादा किया, किससे? 10 से। मैंने लिखा 10.0000001, जितना तुम सोच सकते हो उतना जीरो, और लास्ट में क्या लगा देना, 1। तो मैंने इतना कर दिया किसका, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू। लेकिन क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 10 न्यूटन है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगा? तो क्या लगेगा? मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या कुछ पार्ट ऑफ फोर्स रिमेन रह गया? कुछ पार्ट ऑफ फोर्स क्या रह गया उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर? रिमेन रह गया। और यदि कुछ फोर्स रिमेन रह गया तो क्या उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आएगा? तो क्या उस ऑब्जेक्ट के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। और हम एक्सेलरेशन हमेशा किस फॉर्मूले से निकालते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। हम एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से निकालते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या एफ नेट में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिख दिए? तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ माइनस एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू एम ए। यहां से क्या हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम एनएलएम तो अच्छे से पढ़े ही हैं, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक सेकंड क्वेश्चन है, इसे सभी लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक, फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, ये कंप्लीट द चार्ट कुछ भी कर सकते हो, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर 10 केजी हमें गिवन है, यहाँ पर हम लोगों ने एफ का वैल्यू अप्लाइड किया, यहाँ पर म्यू एस कितना है 0.3। ठीक है, अब हमें एक टेबल गिवन है, इस टेबल को फिलअप करना है। ये कैपिटल एफ, ये एफ एस और ये एक्सेलरेशन। ठीक, तो देखो कैपिटल एफ का वैल्यू हमें गिवन है 10, 20, 50 और 80। अब हमें बताना है एफ एस का वैल्यू कितना रहेगा और एक्सेलरेशन कितना आएगा। स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, म्यूएस का वैल्यू कितना है 0.3, म्यूएस का वैल्यू कितना है 0.3। तो मुझे पता है एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। तो म्यूएस कितना है 0.3 और नॉर्मल कितना है क्या 100। इस केस में नीचे क्या आएगा एमजी, अपवर्ड में क्या आ जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एमजी, तो कितना हो गया 100। ठीक है, तो एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना आ गया 30 न्यूटन। एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना आ गया 30 न्यूटन। अब यदि हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, यदि हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो बताओ एफ एस का वैल्यू कितना रहेगा 10 या 30। एफ एस का वैल्यू कितना रहेगा 10 या 30। तो एफ एस का वैल्यू कितना आएगा 10। एफ एस का वैल्यू कितना आएगा 10, क्योंकि फ्रिक्शन क्या नहीं चाहता है, रिलेटिव मोशन नहीं चाहता है। और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल है, तब तक रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ठीक है, जब इतना फोर्स अप्लाई हो जाए कि वो किसको क्रॉस कर दे, स्टैटिक फ्रिक्शन को, तभी क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जीरो, हमने 20 अप्लाइड किया तो कितना, अगेन कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या 20 न्यूटन। इस भी केस में रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब हमने कितना फोर्स अप्लाइड कर दिया 50 न्यूटन। अब हमने कितना फोर्स अप्लाइड कर दिया 50 न्यूटन। तो देखो
क्या इस ब्लॉक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कितना 50 न्यूटन, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, क्या म्यू एस इंटू एन का मैक्सिमम और ये कितना है 30, मैक्सिमम कितना हो सकता है 30, तो 50 माइनस 30 क्या नेट फोर्स रिमेन रह गया, नेट फोर्स क्या रह गया रिमेन, तो कितना रिमेन रहा क्या 20, कितना एफ नेट इतना रहा 20, तो एफ नेट 20 इज इक्वल टू एम ए, एम कितना 10 और ए कितना फाइंड आउट करेंगे तो ए कितना आ गया 12 और यहां पर फ्रिक्शन कितना लग गया 30 न्यूटन। ऐसे ही जब हमने 80 न्यूटन अप्लाइड किया, जब हमने कितना अप्लाइड किया 80 न्यूटन, तब भी एफ एस अपनी किस पर रहा मैक्सिमम पर, कितने पर 30 पर, मैक्सिमम कितने पर रहा 30 पर, तो 80 माइनस 30 कितना आ गया 50, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर, यूनिट हमेशा लिखना ठीक है। तो क्या ये सभी को समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक। अब इस पर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो हम पहले एनएलएम में कर चुके हैं, लेकिन हमने वहां पर फ्रिक्शन का काउंट नहीं लिया था, लेकिन यहां पर हम फ्रिक्शन फोर्स का काउंट लेंगे। तो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सॉल्व करना सभी लोग ट्राई करो। यहां पर एक ब्लॉक गिवन है 5 केजी का ठीक है, इस पर हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर फोर्स अप्लाइड है, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। अब हमें बताना है कि इस पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा और म्यू एस हमें गिवन है 0.1, म्यू एस हमें कितना गिवन है 0.1 ठीक है, सभी लोग ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है ट्राई करो और आंसर फाइंड आउट करो इसका। तो चलो देखो यहां पर हमें कितना गिवन है 50, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा mg, ऊपर क्या रहेगा नॉर्मल, ऊपर क्या रहेगा नॉर्मल, इधर 50 का कौन सा कंपोनेंट cos, तो 50 cos 53, और इधर क्या आएगा क्या 50 sin 53 डिग्री, इधर क्या आएगा 50 sin 53 डिग्री, क्या ये बात सही है। अब देखो वर्टिकल में पार्टिकल के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में पार्टिकल के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या वर्टिकल के फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन n प्लस 50 sin 53 डिग्री, 50 प्लस n प्लस 50 साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए mg, m कितना है 5 और g कितना है 10, तो क्या आ गया n इज इक्वल टू 50 माइनस 50 साइन 53 डिग्री ठीक है। तो यहां से आ गया 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो सरफेस ने कितना नॉर्मल प्रोवाइड किया 10 न्यूटन, सरफेस ने कितना नॉर्मल प्रोवाइड किया 10 न्यूटन ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर क्या है 50 cos 53 डिग्री, क्या पीछे की डायरेक्शन में लगेगा म्यू एस इंटू एन, पीछे की डायरेक्शन में क्या लगेगा म्यू एस इंटू एन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि मोशन रिलेटिव नहीं हो, तो ये तो किस पर है रेस्ट पर, और फ्रिक्शन इसको भी किस पर लाना चाहेगा रेस्ट पर लाना चाहेगा, तो यदि इस पर फोर्स आगे लग रहा है, यदि इस पर फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन अपना फोर्स कहां लगाएगा क्या पीछे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन अपना फोर्स कहां लगाएगा पीछे की डायरेक्शन में, तो म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस कितना गिवन है 0.1,
और नॉर्मल कितना है, क्या 10 न्यूटन, तो μs into n का वैल्यू कितना आ गया 1 न्यूटन। तो यहाँ पर पीछे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 1, और आगे कितना लग रहा है 50 cos 53 degree, मतलब 50 × 3/5 कितना हो गया 30 न्यूटन। क्या ये इसको रोक पाएगा, क्या ये फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा? नहीं, फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है, या फॉरवर्ड 30 बैकवर्ड 1 न्यूटन, 30 − 1 इज इक्वल टू एम कितना 5 × a। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया 29/5, तो आंसर कितना हो गया मेरा 5.8 m/s². क्या है पूरा समझ में आया? अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल निकालना पड़ेगा हर केस में जैसे भी हमें क्वेश्चन के बनो। उस नॉर्मल को फाइंड आउट करने के बाद हम फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, μs into n से। फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, μs into n से फाइंड आउट करते हैं। और हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखेंगे कि फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो उस तरह से हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम हमारे क्वेश्चन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे। तो इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखो अगेन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये एंगल गिवन है हमें 37 डिग्री, यहां पर एक मास है 5 kg का, ठीक है। इस पर हम लोगों ने इस तरह से हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रखा है, कितने का 10 न्यूटन का, और हमें इस सरफेस पर फ्रिक्शन कितना गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.2, म्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है 0.2। तो जैसा पहले की तरह नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करते थे, सिंपल वे में नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करो, कितना नॉर्मल फोर्स होगा उसके बाद फ्रिक्शन निकालो, और लास्ट में क्या कर दो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ट्राई करो। चलो देखते हैं, कर लिया सभी ने? तो मैंने पहले बताया था इसको करने के लिए क्या करो, इसका फ्रीवर्ड डायग्राम बना। ये 5 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg, मतलब 50 न्यूटन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इस पर एक फोर्स और अप्लाइड है, इधर की डायरेक्शन में कौन सा 10 न्यूटन। अब हमें इसके दो कंपोनेंट करने, एक तो अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यदि ये एंगल 37 है तो क्या ये एंगल भी 37 होगा, ये एंगल भी कितना होगा 37। तो 10 का इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा आएगा, क्या 10 cos 37, 10 cos 37, और क्या सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 10 sin 37, ठीक है, ये दोनों रहा। इसके बाद यदि ये एंगल 37 तो ये एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल भी 37, तो इधर कंपोनेंट कौन सा mg sin 37, और इधर कंपोनेंट कौन सा mg cos 37। बोलो बात क्लियर हुआ? और यहां पर क्या लग रहा है नॉर्मल, यहां पर क्या लग रहा है नॉर्मल, बोलो बात समझ में आया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया।
तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन साइन 37 प्लस mg यानी 50 cos 37। तो टेन साइन 37 कितना हो गया, 10 इंटू 3/5 प्लस 50 cos 37 यानी 50 इंटू 4/5, ठीक है, ये हो गया 40। और ये कितना हो गया बोलो, 6। तो n का वैल्यू कितना हो गया 46। n का वैल्यू कितना हो गया 46। अब हमें पता है फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहता है, क्या म्यू एस इंटू एन, एफ एस मैक्स कितना होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना 0.2 और नॉर्मल कितना 46, तो ये कितना हो गया 9.2 न्यूटन। ये कितना हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू 9.2 न्यूटन। अब देखो इधर की डायरेक्शन में ये mg साइन 37 साइन 37 कितना होगा, क्या mg 50 और साइन 37 कितना 3/5, तो इधर कितना फोर्स आ गया 30। क्या ये 10 cos 37 है, तो 10 cos 37 क्या ये 8 न्यूटन। बोलो फोर्स किधर ज्यादा है, क्या ब्लॉक इधर मूव करना चाहेगा, ब्लॉक क्या करना चाहेगा इधर मूव, और ये वेज कैसा है फिक्स, ये वेज कैसा है फिक्स। तो जब ये वेज मूव नहीं कर सकता तो फ्रिक्शन भी क्या चाहेगा कि ये भी मूव नहीं करे, ये भी मूव नहीं करे, तो फ्रिक्शन अपना इधर की डायरेक्शन में अप्लाइड होगा और कितना होगा 9.2 न्यूटन। कितना होगा 9.2 न्यूटन, सही है। अब अलोंग द सरफेस हम क्या लगा सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, तो एक डायरेक्शन में फोर्स रिमेन रह रहा है। तो यदि एक डायरेक्शन में फोर्स रिमेन है तो उस डायरेक्शन में पार्टिकल के पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और वहां पर तुम क्या अप्लाई कर सकते हो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जब अप्लाई करोगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जब अप्लाई करोगे, ठीक, तो देखो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट 30 माइनस क्या ये 8 न्यूटन, माइनस क्या फ्रिक्शन कितना 9.2, इज इक्वल टू एम, एम कितना है 5 इंटू ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 9 और 8 17.2, 30 माइनस 17.2 कितना रहा 12.8 अपॉन 5, डिवाइड कर सकते हो कितना आएगा 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20, 5 बन जा 5, 2.416। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.416 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बोलो समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, क्वेश्चन नंबर में लिखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना सभी लोग। ये एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री, यहां पर एक मास, इस पर इस डायरेक्शन से 37 डिग्री पर फोर्स अप्लाइड है कितने का, 10 न्यूटन का, कितना फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन, म्यू इज इक्वल टू गिवन है 0.4, और ये मास अगेन सेम लिख लो कितना केजी 5 केजी, ठीक है, मास सेम लिख लो कितना 5 केजी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सॉल्व करना, पहले किए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन,
सिर्फ वहां पर हम लोग फ्रिक्शन नहीं काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रिक्शन भी लेके चलना। तो लास्ट में तो वही इक्वेशन लगाना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।